आलू गोभी की सब्जी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको पसंद नहीं होगी। और ख़ास तौर पे सर्दियाँ आती हैं तो इतनी अच्छी आलू गोभी आती है ना कि मन करता है रोज़ रोज़ बनाकर खाओ। तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही टेस्टी आलू गोभी की सब्जी, जिसे कि बिल्कुल बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन डायरीज़। तो चलिए बहुत टेस्टी सी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने दो छोटे छोटे गोभी के फूल लिए हैं। ये 400 ग्राम के लगभग गोभी है। इसके अच्छे से धोकर फ्लोरेट्स निकाल लेंगे और जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको छोटा छोटा थोड़ा कर लेंगे। वैसे मुझे तो ये थोड़े बड़े बड़े पीस ही अच्छे लगते हैं। आपको कैसे अच्छे लगते हैं? आप जो गोभी के नीचे का डंठल होता है ना, वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बस वो थोड़ा कच्चा कच्चा होना चाहिए। तो मैंने उसको भी अच्छे से छीन लिया और उसके भी पीसेस निकाल कर सब्जी के अंदर ही डाल लिए। बहुत बढ़िया सब्जी बनी थी और घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। आप भी ये रेसिपी अपने घर में ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप कढ़ाई में सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे और मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू थे उनके इस तरह लंबे लंबे जो है फांके निकाल ली थी। आपकी मर्जी है, आप इसे थोड़ा छोटे साइज़ में काट सकते हैं, लेकिन आलू गोभी की सब्ज़ी आपने हलवाई स्टाइल देखी होगी तो आपने इसमें एक बात नोटिस की होगी कि उसके अंदर आलू और गोभी दोनों के टुकड़े काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और वो खाने में और देखने में बहुत बढ़िया लाजवाब लगते हैं। वैसे ही लाजवाब ही सब्ज़ी भी बनी है। अच्छे से आलू को सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी सब्जी बनने में ज़्यादा देर भी ना लगे और गोभी आलू फ्राई जो है बहुत बढ़िया बन के तैयार हो। अब आलू जो फ्राई हो गए थे उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया। देखिए आलू कितने अच्छे सुनहरे फ्राई हुए हैं। बस इसी तरह से फ्राई करने हैं, जलाने नहीं है और आलू 80% तक कुक हो जाने चाहिए। इस तरह से सारे आलू मैंने निकाल लिए। अब जो गोभी के टुकड़े मैंने अच्छे से धोकर और काट कर रखे थे उन्हें हम कढ़ाई में डाल देंगे। उसी ऑयल के अंदर हम अब इन्हें भी फ्राई करेंगे। अब गोभी को फ्राई करने के लिए ना गोभी थोड़ी ज़्यादा ही वाइट कलर की होती है, तो मैंने क्या किया इसके ऊपर 1/2 चम्मच नमक ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए कुरकुरी, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया ताकि इसके अंदर बहुत सुंदर सा कलर आ जाए। ये देखिए बस नमक और हल्दी डाल देंगे और इसे भी सुनहरा होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती, 5-7 मिनट का ही टाइम लगेगा और गोभी भी अच्छे से सुनहरी फ्राई हो जाएगी। इस तरह से अगर आप आलू गोभी की सब्जी ट्राई करेंगे ना तो घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये सूखी सब्जी ऐसी है जो अक्सर सर्दियों में सबके घर में बनती रहती है। तो हम हर बार सोचते हैं कि इसको अच्छे से किसी नए तरीके से बनाएं। तो एक बार आप इस हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सब्जी कहिए या भंडारे वाली आलू गोभी मटर की सब्जी कहिए, इसको इस तरह से ट्राई करिए, बहुत बढ़िया लगेगी। आप बातें करते करते जो है गोभी भी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो मैंने गोभी को अलग प्लेट के अंदर निकाल लिया है। उसी प्लेट में निकाल लीजिए जिसमें कि आलू डाले थे। अब बचे हुए ऑयल के अंदर ही हम सब्जी बनाएंगे। एक्स्ट्रा और ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आलू गोभी में काफ़ी ऑयल है। अब मैंने इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं। 2 छोटी इलायची खोल के डाल दी, 1 छोटा तेज़पत्ता डाल दिया, 3-4 लौंग डाल दी, 3-4 काली मिर्चें डाल दी हैं। इन खड़े मसालों से आलू गोभी का स्वाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब 1 चम्मच के लगभग हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच ही राई डाल देंगे। राई से अच्छी खट्टी चटपटी बनेगी और इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून के लगभग अब इसमें हींग डाल देंगे। तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद 2-3 हरी मिर्चें थी उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए अब इसके अंदर मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा था। अदरक थोड़ा आलू गोभी की सब्जी में ज़्यादा जाता है, खाने में अच्छा भी लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो मैंने 2 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे और 2 टमाटर की प्यूरी बनाकर वो भी इसमें डाल देंगे। प्यूरी डालने के बाद अच्छे से इसको पका लेंगे और भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें सारे अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। अब अच्छी सब्जी बनाने के लिए इसमें डालेंगे थोड़े से अच्छे अच्छे मसाले। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया। नमक हमने गोभी को फ्राई करते हुए भी डाला तो ध्यान से डालिए। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, 1/2 चम्मच काला नमक डाल दिया। काले नमक से इसका बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा। एक बार इस तरह सब्जी जरूर बना के देखिए। और 1/2 चम्मच के लगभग मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर डाल दिया है, साथ में मैंने इसमें 1 चम्मच के लगभग कच्चा जीरा पाउडर डाला है। ये सारे मसाले डालने जरूरी है तभी आपकी सब्जी का टेस्ट लाजवाब बनेगा। अब टमाटर को मसालों के साथ अच्छे से चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। टमाटर में काफ़ी पानी होता है तो हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि अच्छे से ये भून भी जाए और सारा मसाले में से ऑयल रिलीज हो जाए। ये देखिए अब मैंने इसका ढक्कन लगा दिया है और इसे ढककर हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। बीच में एक बार चेक कर लीजिए, वरना हो सकता है कि कढ़ाई की तली में मसाला लग जाए। वैसे नॉनस्टिक कढ़ाई है, मसाला लगने का डर बिल्कुल भी नहीं है। बस इतनी देर मैंने आधी कटोरी के लगभग फ्रेश मटर
इस समय तो मटर बहुत बढ़िया आ रही है एकदम फ्रेश, तो मैंने फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया, आप फ्रोजन मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटर को भी डाल देंगे मसाले में और अच्छे से भूनते रहेंगे। मटर को हमें पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एकदम बढ़िया मटर आ रही है इस समय, तो जब हम सब्जी पकाएंगे तो इसके साथ ही पक जाएगी। और सब्जी भी हमारी 80% तक आराम से पकी हुई है क्योंकि हमने आलू और गोभी को फ्राई कर लिया था। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ सबका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब सब्जी का कलर देखिए, बस अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 5 या 6 मिनट लगेंगे और हमारी बहुत अच्छी सब्जी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैंने इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग पानी डाल दिया है ताकि सब्जी को जब हम ढककर पकाएंगे ये नीचे लगे ना। बस इस तरह से इसे ढककर रख देंगे और हम 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। 2-3 मिनट के अंदर ही सब्जी बहुत बढ़िया अच्छे से एकदम ढाबा स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल या आपका ये हलवाई स्टाइल बढ़िया सब्जी बनकर तैयार है। बस एक बार इसे चेक कर लीजिए कि अच्छे से पक गई है या नहीं। वैसे मेरे हिसाब से तो अगर इसे बहुत बढ़िया टेस्ट लाना है ना तो अभी इसमें थोड़ी सी खटास की कमी है, आप इसलिए इसकी जगह दही डाल सकते हैं या अमचूर पाउडर। मैंने इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 ही चम्मच के लगभग मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। इन सारे मसालों का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है और खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। बस आलू गोभी की बहुत बढ़िया सूखी सब्जी तैयार है। अब आप इसे चाहे पूरी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए या टिफ़िन में दीजिए, बच्चों को दीजिए। बच्चे या बड़े कोई भी सब्जी को बिल्कुल भी खाने से मना नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बनी इतनी टेस्टी और लाजवाब है। अब मैंने सब्जी को अच्छे से ऊपर से नीचे चला दिया है ताकि सारा मसाला गर्म मसाला वगैरह जो हमने डाला है ना वो सारी सब्जी में एक साथ से लग जाए। अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टमाटर जिसको मैंने बीच में से सीड्स निकाल लिए थे और 2-3 हरी मिर्चें बीच में से लंबाई में चीरा लगा के डाल दिए। इससे सब्जी बहुत बढ़िया हो जाती है लुक वाइज भी और खाने में भी। इस तरह से एक बार आप सब्जी को जरूर ट्राई कीजिए, उसके बाद ये आपकी फेवरेट सब्जी बन जाएगी और आप जब भी खाना बनाना चाहेंगे यानी आलू गोभी तो मेरे वाली रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चलिए बस अब धनिया डाल देते हैं और हमारी सब्जी जो है फाइनल टच पूरा हो गया। तो अब इसके अंदर थोड़े से मैंने अदरक के लच्छे और डाल दिए, ये पूरी तरह ऑप्शनल है पर मुझे तो सर्दियों में अदरक बहुत ही अच्छा लगता है और हम खूब सारा अदरक हर चीज़ में डालकर खाते हैं ताकि सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हो। अदरक कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है। ये देखिए आलू और गोभी दोनों अच्छे से गल गए हैं, तो बस हमारी बहुत बढ़िया आलू गोभी की सब्जी तैयार है। तो चलिए मैं तो चली खाने, आप भी प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी ला सकूं। आप सबका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, पिछले कुछ दिनों में बहुत बीमार थी इसलिए मैं रेसिपी नहीं डाल पाई, पर अब मैं रेगुलर रेसिपी डालने की कोशिश करूंगी। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप प्लीज़ इस रेसिपी को देखिए, बनाइए अपने घर में और मुझे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।